नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से एक औसम लेक्चर हमारे MPPSC पास्ट ईयर पेपर्स की सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं MPPSC द्वारा जो प्रीलिम्स के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं पुराने सालों में उनके बारे में। दोस्तों इस सीरीज में अभी तक हम 2018 और 2017 के पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे 2016 के पेपर के बारे में और ये 2016 का जो GS1 का पेपर था उसके ऊपर ये लेक्चर है। दोस्तों इस 2016 के पेपर के ऊपर मैं इन टोटल 4 पार्ट बनाऊंगा एंड दिस वन इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट पार्ट। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस। दूसरी बात, इस सीरीज का क्या ऑब्जेक्टिव है या इन लेक्चर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन लेक्चर्स की मदद से हम एक तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो MPPSC का एग्जाम होता है वो उसका टाइप किस टाइप का होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और एक तरीके से हमें आइडिया लगेगा सो दैट हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। थर्ड थिंग इज इससे हम अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है हमें उसको बूस्टअप करने के लिए, ओवरहॉल करने के लिए और क्या पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने मैनेट भोपाल से ग्रेजुएशन किया दोस्तों और दोस्तों मैं 2 बार UPSC मेंस का भी एग्जाम लिख चुका हूं। तो यही मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो ये मैंने नॉलेज गेन की है इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान या फिर जो मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर किया जा सकूं सो दैट आप भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर उभर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों इस स्लाइड पर आप देख रहे हो MPPSC GS1 का सिलेबस। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग इससे अवगत होंगे लेकिन जिन्होंने अभी तक सिलेबस को ढंग से नहीं देखा प्लीज स्टॉप दिस वीडियो फॉर अ मिनट एंड गो थ्रू दिस, तो आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको क्या पढ़ने की जरूरत है अगर आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको एक एडवाइस एक सजेशन देना चाहता हूं। इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम क्वालिफाई दिस एग्जाम देन व्हाट डू यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रिवाइज। आपको रिवीजन करना होगा जो भी टॉपिक्स को अभी तक आपने कवर किया है उनका रिवीजन कीजिए प्रॉपरली और डेली बेसिस पे। सेकेंड थिंग इज आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा हो सके। जैसे अभी तक मैं 38 मॉक टेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूं एंड रियली सून आई एम गोइंग टू अपलोड 3 मोर टेस्ट पेपर्स। एंड थर्ड थिंग इज आपको जो पुराने साल के पेपर्स हैं पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनकी आपको एनालिसिस करने की जरूरत है सो दैट आपको एक आइडिया लग सके कि आप अपने पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। Now having said that, let's start today's lecture. दोस्तों ये जो MPPSC का पेपर होता है तो उस पेपर पे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, कुछ निर्देश दिए होते हैं जो स्टूडेंट को फॉलो करने होते हैं। अब एग्जाम के टाइम पे तो आप काफी स्ट्रेस में होते हो तब तो आप इन निर्देशों को ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो तो इन इंस्ट्रक्शंस को अभी पढ़ लीजिए। सेम इंस्ट्रक्शंस जो ये यहाँ पे हिंदी में दिए हुए हैं सेम इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में है, ठीक है। सो जस्ट पॉज दिस वीडियो ओवर हियर एंड गो थ्रू इट। चलिए तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका ज्योग्राफी की कैटेगरी से। क्वेश्चन ये आया था कि जो चिपको मूवमेंट इंडिया में चला था उसके प्रोटैगोनिस्ट यानी एक तरीके से पायनियर या लीडर या मुख्य किरदार कौन थे चिपको मूवमेंट के। चिपको मूवमेंट एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक ये मूवमेंट चलाया गया था और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मेधा पाटकर, चंडी प्रसाद भट्ट, MS स्वामीनाथन या सुंदरलाल भावगना। देखिए मेधा पाटकर तो जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ एसोसिएटेड है, NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। MS स्वामीनाथन इंडिया पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1966 से लेके उस ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन रचयिता MS स्वामीनाथन जी थे। तो फिर अब आपके ऑप्शन बचते हैं 2 और 4। 2 जो चंडी प्रसाद भट्ट है ये भी चिपको मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने और सुंदरलाल भावगना ने भी किया था लेकिन इसके जो मुख्य किरदार थे वो थे सुंदरलाल भावगना। सो राइट आंसर इज 4। आपको देखो क्या करना होगा, आप एक पेन पेपर ले लीजिए और जो मैं 25 क्वेश्चन अभी आज आपको बताऊंगा आप उनके आंसर्स लिखते जाइए ABC और चेक कीजिए आखिरी में ये बताना आपके 25 में से कितने आंसर सही रहे, 10 रहे 12 रहे, तो उससे क्या होगा ये जो सीरीज है वो और ज्यादा इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपको भी पता चलेगा वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। सो राइट आंसर इज 4।
चिपको मूवमेंट के बारे में अगर कुछ और बात करें तो ये देखिए, चिपको मूवमेंट को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था इंडिया में, जहां पे लोगों ने ट्रीज को एम्ब्रेस किया था, मतलब उसके गले लग के लग गए थे उनको काटे जाने से बचाने के लिए। ये जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1973 में। तो इसकी ये टाइमलाइन याद रखना, पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये। 1973 में ये स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से शुरू हुआ था ये, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से जो एनवायरमेंट का इश्यू है वो एक तरीके से मुख्यधारा मेन स्ट्रीम में लाया गया था चिपको मूवमेंट। यहाँ पे देखिए, ये इससे इसके बाद क्या हुआ, जितनी भी सिविल सोसाइटीज है वो भी बहुत ज्यादा इन इसमें आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ट्राइबल और मार्जिनलाइज पीपल्स की काफी मदद की, ठीक है। तो ये था, और इसमें और भी अगर लोगों की बात करें तो जैसे गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, इन सब लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये है सुंदरलाल भोगना, जिनके बारे में जो आंसर जिनके ऊपर था। तो ये देखिए, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है और चिपको मूवमेंट के एक ये लीडर थे, ठीक है। तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। सो ये सुंदरलाल भोगना। अगला क्वेश्चन आपका मिसलेनियस कैटेगरी से था, और इसमें ये पूछा गया था, ये एक्चुअली मिसलेनियस कह लो या फिर इकोनॉमी से भी आप कह सकते हो या फिर ज्योग्राफी से भी कह सकते हो। क्वेश्चन ये था कि जो सेंसस 2011 हुआ था, आपको पता होगा हमारे इंडिया में हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है, तो जो 2011 में हुआ था सेंसस उसके हिसाब से ये अभी तक का लेटेस्ट सेंसस है। अब अगला सेंसस आएगा 2021 में, तो 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे ओवरऑल इंडिया की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऐसी लोएस्ट डेंसिटी वाला कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड। इसका सही जवाब था अरुणाचल प्रदेश, सो राइट आंसर इज 1, ठीक है। देखिए सेंसस के ऊपर हर बार कम से कम एक से लेकर 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार आप सेंसस को पढ़ लीजिए, हार्डली 3 या 4 पेज का काम है। तो प्लीज, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गो थ्रू दी सेंसस। ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूं इकोनॉमी की सीरीज में, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो आप इसका जवाब भी दे सकते होंगे। अगला क्वेश्चन था करंट अफेयर से, तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इससे ये आइडिया लगाएंगे कि करंट अफेयर के किस टॉपिक पे मैं ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए 2016 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मार्क जकरबर्ग गए थे, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, ठीक है। फेसबुक आप सब यूज करते होंगे, पता होगा, तो मार्क जकरबर्ग उसके फाउंडर है। ये जब इंडिया में आए थे तो ये इनमें से किस जगह पे विजिट करने गए थे, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर ताजमहल। और इसका सही जवाब था ताजमहल, वो ताजमहल घूमने गए थे। तो देख रहे हो आप, इतने ट्रिवियल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जब भी कोई फेमस डिग्नेटरी की कोई विजिट होती है, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है, तो वो कहां कहां पे गए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप कोशिश करना कि जो विजिट्स होती हैं उनको एक बार, जो पूरे साल का राउंड अप होता है उनको एक बार देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक लेक्चर लेके आ सकूं। अगला क्वेश्चन ये था, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड की क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया था, जो स्पैम नाम का शब्द होता है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, और ये बहुत ही इजी है, राइट। अगर आपने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा होगा, अब जब आपको पता है ये कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है तो कंप्यूटर से एसोसिएटेड होगा। सो राइट आंसर इज 4, तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन ये है मायोपिया, मायोपिया किस ऑर्गन का डिसऑर्डर है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। देखिए जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से, फिर आते हैं फिजिक्स से, तीसरे नंबर पे आते हैं केमिस्ट्री से। तो पहले बायोलॉजी को कवर कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ लेक्चर बनाने की। तो यहां पे आपसे ये पूछा गया है मायोपिया किस ऑर्गन में डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मायोपिया को जब तक आप जवाब देते हैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, हार्ट, ईयर, आई या किडनी। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, कि आपको पास का तो बहुत क्लियरली दिखता है लेकिन आप दूर का अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो यानी अब आपको देखने से एसोसिएटेड है, तो यानी ये आई हो गया इसका आंसर। तो आंसर इज 3, ऐसी मायोपिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट साइटेडनेस। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट किस ऑर्गन से एसोसिएटेड डिसऑर्डर होता है, कैटरैक्ट, ठीक है। सिमिलरली ये भी बताना, प्रेस बायोपिया किस ऑर्गन से एसोसिएटेड डिसऑर्डर है आपको, यानी जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं किसी ऑर्गन्स में उनके बारे में पता होना चाहिए। ये लूसेंट में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मिसलेनियस अगेन, या फिर आप ये कह लीजिए एक तरीके से करंट अफेयर का भी इवेंट कह सकते हैं। यहां पे आपको 4 इंडियन नेवल शिप्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा इंडियन नेवी में सबमरीन है, राजाली, सिंधु रक्षक, विराट या विक्रांत।
अब विक्रांत तो सबको पता ही है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है ना विक्रांत। तो अब ऑप्शन तीन बचते हैं आपके, और इसका सही जवाब है सिंधु रक्षक, यानी आंसर इज टू। तो ये जो सिंधु रक्षक है ये इंडिया नेवी में एक सबमरीन का नाम है। अगला क्वेश्चन था, ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया में किस चीज से एसोसिएटेड है। देखिए एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपके इसमें भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है, तो एक तरीके से आपको ये आइडिया लगेगा। अगर आप एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार यूपीएससी के पेपर्स को भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। पिसी कल्चर यानी फिशेस की, जो क्या कहते हैं फिशेस को पकड़ते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं उससे एसोसिएटेड है। हॉर्टिकल्चर यानी वेजिटेबल्स को उगाने से एसोसिएटेड है। सीरीकल्चर यानी सिल्क को उगाने से एसोसिएटेड है। या फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर्स को उगाने से एसोसिएटेड है। तो पिसी ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू किसका कलर होता है, वाटर का, वाटर में कौन रहती है, फिशेस यानी पिसी कल्चर। सो राइट आंसर इज वन, ठीक है। ऐसे ही चलिए ब्लू रेवोल्यूशन से याद आया, तो अब आप ये बताइए पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। पिंक रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, इन दोनों के जवाब देना। पिंक रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है एंड व्हाइट रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो देखिए इसी टाइप से आपको अंदाजा लगता है कि आपको क्या पढ़ना है। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से था, आपसे ये पूछा गया था ये चार आइलैंड्स दिए हुए इंडिया के, इनमें से कौन सा आइलैंड वॉल्केनिक ओरिजिन का है। वॉल्केनिक ओरिजिन का, देखिए इंडिया के मुख्यतः दो आइलैंड्स आते हैं, एक तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरी तरफ है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अब ये अंडमान एंड निकोबार के ही चारों पार्ट दिए हुए हैं, वेरन या फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार या फिर नॉर्थ अंडमान। अब देखिए अगर सिर्फ इन दोनों में पता करना होता है तो आंसर आसान हो जाता अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है। और जो लक्षद्वीप है ये कोरल आइलैंड है, एक ये कोरल्स से बना हुआ आइलैंड है लक्षद्वीप, लेकिन अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक ओरिजिन का। और इसमें भी अगर बात की जाए तो एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड पे, यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड पे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सो राइट आंसर इज वन। ये देखिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वेरन आइलैंड जो है वो अंडमान आइलैंड का ही पार्ट है। वेरन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है अंडमान सी में, ठीक है। और यहाँ पे एक बैरन वॉल्केनो है जो कि ओनली कंफर्म एक्टिव वॉल्केनो है पूरे साउथ एशिया में, एंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो अलोंग द चेन ऑफ वॉल्केनोस फ्रॉम द सुमात्रा टू म्यांमार। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रही इसकी लोकेशन, यहाँ पे है ये आपका। अगर हम बात करें कुछ डोरमेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की जो इंडिया में है उनकी बात करें, तो देखिए बैरन जो आपका आइलैंड है ये अंडमान आइलैंड्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखना। ऐसी नारकोंडम है, ये भी अंडमान आइलैंड्स में ही आता है। डेक्कन ट्रैप्स ये महाराष्ट्र में आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें किसकी बारा टांग की, ये अंडमान आइलैंड्स में ही आता है, ये एक्टिव है सिंस 2003। फिर है धीनोधार हिल्स, ये इनएक्टिव वॉल्केनो है और ये आता है गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा धूसी हिल्स ये हरियाणा में आता है, ठीक है, और ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल है। तोसाम हिल्स ये भी हरियाणा में आता है और ये भी एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, आप देख रहे हो यहाँ पे डिटेल्स, सो प्लीज गो थ्रू इट। अगला ये जो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटी सेक्शन से था, आपसे ये पूछा गया था पंचायती राज सिस्टम, जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जहां पे थ्री टीयर का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है। गांव के लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है ब्लॉक पंचायत और फिर होती है जिला पंचायत। अगर आपने मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो पंचायती राज सिस्टम, ये पंचायती राज सिस्टम को क्या कहते हैं रिकमेंड करने वाली करने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी, जैसे उन्हीं में से एक है बलवंत राय मेहता कमेटी। इसी के बाद ये पंचायती राज सिस्टम आया था। तो आपको ये बताना है इन्होंने कितने टीयर यानी कितने लेवल वाला पंचायती राज सिस्टम बताया था, 2 लेवल वाला, 3 लेवल वाला या विलेज लेवल वाला या नन। और इसका सही जवाब है इन्होंने 3 टीयर का बताया था बलवंत राय मेहता ने। ऐसे ही और भी कमेटी, जैसे अशोक मेहता बनी थी, फिर हनुमंता एक कमेटी बनी थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत का ये वाला चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है। कौन सा वाला, लक्ष्मीकांत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल एंड अर्बन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। चलिए ये बताइए रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि बताता हूं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को, ठीक है।
तो आपको ये बताना है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सो इसका तो सही जवाब हो गया टू। अगला क्वेश्चन फिर से आपका ज्योग्राफी से था और इसमें यह पूछा गया था, ये एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया है कि बेड़ा घाट में इनमें से कौन सा वाटरफॉल है। अगर आपने मेरी डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन की सीरीज देखी होगी तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो बेड़ा घाट में इनमें से कौन सा वाटरफॉल है, चचई, कपिलधारा, दुग्धधारा या फिर धुआंधार वाटरफॉल्स? तो इसका सही जवाब है यस, आप लोग दे चुके होंगे, धुआंधार वाटरफॉल, ये बेड़ा घाट में है। बेड़ा घाट जबलपुर से थोड़ी ही दूरी पे है, तो ठीक है, तो ये कहां पे है, धुआंधार वाटरफॉल है बेड़ा घाट पे। उसके अलावा चचई वाटरफॉल जो है, चचई वाटरफॉल जो है ये आपका कहां पे है, चचई वाटरफॉल है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए किस नदी के ऊपर है ये आप लोग जवाब देना। कपिलधारा, दुग्धधारा, ये दोनों मेरे ख्याल से नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है, कपिलधारा एंड दुग्धधारा। तो इसका सही जवाब है फोर, धुआंधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन दिस बेड़ा घाट। देखिए चचई फॉल्स के बारे में मैंने जैसा कि बताया ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे इंडिया का 23rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। आपको ये बताना है कपिलधारा और दुग्धधारा वाटरफॉल कहां पर है और किस नदी के ऊपर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ज्योग्राफी का है या इकोनॉमी का भी कह सकते हैं आप इसको, कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है इंडिया में ये किन किन सिटीज को ज्वाइन करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। क्या है, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और वो रोडों को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, रोडों को कनेक्ट करता है। तो ये चार सिटीज को कनेक्ट करता है जिसको जिसका नाम दिया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो अब आपको पता होगा हमारे इंडिया की कौन सी चार मेट्रो है जिनको ये कनेक्ट करेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो आंसर इज टू, सो दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली जैसे ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ये रहा पूरा रूट, आप देख सकते हो। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है जिसमें मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल सेंटर्स को ज्वाइन किया जा रहा है। इसके तहत चार मेजर सिटीज जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा इस नेटवर्क में आएंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, बाइजैक, बोधगया, वाराणसी, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर एंड बड़ोदरा। तो सारी जितनी भी फेमस जगह है वो सारी यहाँ पे इनको ज्वाइन किया जा रहा है। अब जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन तो आ चुका है, तो पूछा जाएगा डायमंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में। डायमंड क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये इंडियन रेलवेज का प्रोजेक्ट है जिसके तहत हाई स्पीड रेल की नेटवर्क की मदद से चार मेगा सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा। एक है दिल्ली, दूसरी मुंबई, तीसरी कोलकाता और चौथी चेन्नई। ये एक तरीके से जैसे हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसी की लाइन पे डायमंड क्वाड्रिलेटरल बिछाया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना डायमंड क्वाड्रिलेटरल क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से है, तो आप देख रहे हो साइंस के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो प्लीज डोंट लीव दिस पोर्शन, इसको कवर करने की कोशिश करना, काफी क्वेश्चन आते हैं। मैमल्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं किसकी मदद से? ये चारों ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में यूज किए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। गिल्स, ट्रैकिया, स्किन या फिर लंग्स। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स हम आप लोग हैं मैमल्स, ठीक है। जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है उनको मैमल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग सांस लेते हैं लंग्स की मदद से, यानी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है लंग्स की मदद से, ठीक है। चलिए ये बताइए गिल्स का यूज, गिल्स वाले ऑर्गन का यूज कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, कौन से ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं गिल्स का? और इस वाले सवाल का सही जवाब है फोर, दैट इज लंग्स। अगला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस से है, इसमें से आपको यह बताना है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, सर्च इंजन में से कौन सा है, कुकीज, पैकेट्स, नन ऑफ द अबव या फिर बायडू, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? और इसका सही जवाब है बायडू। बायडू जो है वो चाइना में यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है। जैसे आप लोग गूगल यूज करते हो किसी भी चीज को सर्च करने के लिए इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे, तो वैसे ही चाइना में जो यूज होता है, चाइना में गूगल यूज नहीं होता है, उनका खुद का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बायडू। तो बायडू एक सर्च इंजन है, ठीक है, सो प्लीज डू रिमेम्बर। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, इसमें यह पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन होता है। ये भी यूपीएससी में उसी साल क्वेश्चन आया था, तो आप देख रहे हो यूपीएससी से एमपीपीएससी का कितना ज्यादा लिंक है। तो कम से कम अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज एक बार यूपीएससी के भी पेपर्स, पास्ट ईयर के पेपर्स को देख लीजिए, उससे आपको एक हिंट मिलती है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप 2019 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के, तो 2018 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम का जो पेपर था उसको एक बार देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा आपका।
ठीक है, तो कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ये किसी एक लाइन से इन्फर करके ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इट इज सुप्रीम कोर्ट हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट आंसर इज 3। तो इसका ये रहा आपका सही जवाब, दैट इज 3, आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके अलावा ये रही इन्फॉर्मेशन, देखिए वैसे तो ये कहीं पे नहीं लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो एक आपने फंडा सुना होगा बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसको मैंने पॉलिटी में आपको एक्सप्लेन किया था, बेसिक स्ट्रक्चर के फंडे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कर्ता धर्ता कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। अगला जो क्वेश्चन था वो जनरल साइंस का कह लीजिए या फिर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल 1 जो है वो इंक्लूड करता है किनको? ट्रॉपिक लेवल होते क्या है? देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फूड चेन या फूड वेब वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए फूड चेन क्या होती है? फूड चेन ये होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाएगा। फॉर एग्जाम्पल घास को खाएगा, घास को कौन खाएगा? काऊ। काऊ को कौन खाएगा? फॉर एग्जाम्पल लायन, ठीक है। तो ये एक फूड चेन है, ऐसी फूड चेनों का बहुत बड़ा जाल हो जाएगा, उसको कहते हैं फूड वेब। तो अब इस फूड चेन में सब अलग अलग लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4। तो इसमें पूछा गया सबसे ट्रॉपिक लेवल 1 पे कौन आता है? कार्निवोरस, यानी जो ऐसे जानवर जो कि फ्लैश और मीट को खाते हैं, ओमनीवोरस जो फ्लैश या मीट या फिर क्या कहते हैं घास पत्ती वगैरह भी खाते हैं, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल जो घास पत्ती खाते हैं, और ग्रीन प्लांट्स यानी जो खुद का खाना बनाते हैं। ये तीनों होते हैं आपके हेटरोट्रॉप्स, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और ग्रीन प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब खुद सोचिए सबसे बेसिक लेवल पे ट्रॉपिक लेवल 1 पे कौन आएगा? इट इज ग्रीन प्लांट्स। सो राइट आंसर इज 4। इसी से मिलता जुलता ये देखिए फिगर, तो इसको क्लीन कर देता हूं। यस, तो ये देखिए हेटरोट्रॉप्स में आपके कौन कौन है? सेकेंडरी प्रेडेटर, प्राइमरी प्रेडेटर एंड हर्बीवोरस। उसके अलावा ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स आते हैं आपके ट्रॉपिक लेवल 1 पे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ज्योग्राफी से था, इसमें ये पूछा गया था, 4 आपको वाटर रिजर्वॉयर्स के नाम दिए गए थे और आपसे ये पूछा गया था कि चंबल नदी पे इनमें से कौन सा वाटर रिजर्वॉयर बना हुआ है। जो चंबल वैली प्रोजेक्ट चलाया गया था, चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इस पे ना 3 रिजर्वॉयर बनाए गए थे। 2 के तो नाम मैं आपको बता देता हूं, एक था जवाहर सागर, दूसरा बनाया गया था गांधी सागर, और तीसरा इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन, तो आपको उसका नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन थे रिहांद, राणा प्रताप सागर, बिंध्या सागर या फिर नागार्जुना सागर। तो देखिए नागार्जुना सागर तो साउथ में है, तो चंबल पे तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब बचे आपके 3, रिहांद जो है वो रिहांद नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सही जवाब है वैसे राणा प्रताप, ये राजस्थान में बना हुआ है, ठीक है, राजस्थान में बना हुआ है। तो चंबल वैली के ऊपर, मतलब चंबल नदी के ऊपर 3 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, एक है आपका राणा प्रताप सागर, दूसरा जवाहर सागर और तीसरा गांधी सागर, याद रखना, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं और इसका सही जवाब भी देख लेते हैं। इसका सही जवाब है 2, और ये देखिए नागार्जुना सागर जो डैम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट मेसनरी डैम है, जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो नागार्जुना किस पे बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर। और ये कहां पे आता है? तेलंगाना स्टेट में आता है, तेलंगाना स्टेट जो इंडिया का 29th स्टेट है उसमें आता है। अगर बात करें हम लोग रिहांद की, तो रिहांद देखिए इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का बाय वॉल्यूम। रिहांद डैम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी बोलते हैं, ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का बाय वॉल्यूम। और ये जो रिहांद डैम पे जो रिजर्वॉयर है उसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर। ये इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत वाटर रिजर्वॉयर या सागर जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड है। और ये जो है ये आता है यूपी में, रिहांद वाला आता है यूपी में। अब आप विंध्या सागर वाटर रिजर्वॉयर के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है।
देखिए, आपसे जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हो, रिव्यू करते हो लेक्चर को, तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर बनाऊं। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। अगला क्वेश्चन जो था, इसमें यह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन किए जाते हैं उसके हिसाब से चंबल वैली इनमें से किस एरिया में लाई करती है। जैसे कि जब मैं आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन बता रहा था तो मैंने आपको 7 डिवीजन बताए थे, जैसे मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, विंध्या अपलैंड्स, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको 7 एरिया बताए थे, 7 रीजन बताए थे, 7 डिवीजन बताए थे। तो ऐसे ही चंबल वैली जो है वो इनमें से किस में आती है, विंध्या स्क्रैपलैंड, बाघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू या सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। और इसका सही जवाब है, यस राइट आंसर इज 4, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। तो ये मैंने, आपने अगर मेरी ज्योग्राफी के लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, राइट। सो प्लीज गो एंड वॉच ज्योग्राफी के लेक्चर्स। अगला क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से था, जिसमें यह पूछा गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या चीज जरूरी है। आप देख रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लगातार ये तीसरे साल क्वेश्चन आया है, 2018 में भी आया था, 2017 में भी आया था और 2016 में भी आया है, तो यानी 2019 में भी आने के चांसेस है। तो इनमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या चाहिए होता है आपको, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस। अब ये तो आप अपनी बेसिक नॉलेज से भी बता सकते हो, इसका सही जवाब है वेबकैम, दैट इज राइट आंसर इज 3। तो आप यहां पे देख सकते हो 3। अगला क्वेश्चन फिर से एमपी स्पेसिफिक है, तो आपको पता चलेगा एमपी की जीके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यह बताना है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में केव्स हैं उदयगिरी की, केव्स ऑफ उदयगिरी की कहां पे सिचुएटेड है। तो ये जो मैंने आपको डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था भोपाल, धार, विदिशा या फिर रायसेन। तो ये आपका है विदिशा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बनी हुई है उदयगिरी की केव्स, ठीक है। उदयगिरी की केव्स कहां पे बनी हुई है, विदिशा में। तो ये देखिए उदयगिरी केव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पे 20 रॉक कट केव्स है, मतलब पत्थर को काट के केव्स बनाई गई हैं और ये विदिशा में है। ये जो केव्स हैं वो 5th सेंचुरी से ही की है, मतलब जब गुप्ता पीरियड का या गुप्ता डायनेस्टी का साम्राज्य था उस टाइम की ये रिलेटेड है। यहां पे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल्स है और आइकनोग्राफी, मतलब आइकन्स को बनाने की एक कला आपको देखी जा सकती है, ठीक है। और ये गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है, तो याद रखना उदयगिरी केव्स। ये केव्स अब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आते हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करके रखती है। ये रही, ये वाला फोटो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, जब मैं उदयगिरी केव्स के बारे में पढ़ा रहा था, तो प्लीज डू रिमेंबर इट। अगला जो ये क्वेश्चन है ये आपका फिर से सेंसस के ऊपर आया था या एमपी स्पेसिफिक कह लीजिए, और इसको हमने कवर किया है इकोनॉमी के पोर्शन में, प्लीज गो एंड वॉच इट ओवर देयर। यहाँ पे ये पूछा गया था एमपी की पॉपुलेशन क्या है एज पर 2011 सेंसस, एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। सो आपके ऑप्शन थे 7.2 करोड़, 6.5 करोड़, 6.2 करोड़ और 7.5 करोड़, एंड द राइट आंसर इज 1। तो इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल बात है, सेंसस को पढ़ लो, 3 से 4 पेज का डॉक्यूमेंट है और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था इनमें से कौन सी कंट्री G8 का पार्ट नहीं है, जो G8 ऑर्गन है, एक तरीके से ग्रुप है, उसका पार्ट नहीं है इनमें से कौन सी कंट्री, क्लियर है। आपके ऑप्शन थे कनाडा, ब्रिटेन, रशिया या स्पेन। अब तो खैर ये 2016 में पूछा गया था, अब तो G8 G7 बन चुका है, क्योंकि अब इसको रशिया ने, इसको पहले रशिया को निकाला गया था क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, तो रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो उसके बाद जो G8 के बाकी के मेंबर थे उन्होंने रशिया को निकाल दिया था 2014 में, और निकालने के बाद फिर थोड़े टाइम बाद रशिया ने इससे परमानेंट विड्रॉल का घोषणा कर दी कि अब मुझे इसका मेंबर बन के ही नहीं रहना है, तो अब ये फिर से G7 बन गया है। तो इसके कौन कौन पार्ट है, कनाडा है, ब्रिटेन है, रशिया है और स्पेन नहीं है। अगर आज के टाइम पे क्वेश्चन आए तो अब रशिया भी नहीं है, याद रखना। सो राइट आंसर इज 4, मतलब 2016 में जब पूछा गया था तब इसका सही जवाब था 4। ये देखिए ये जो G8 का फोरम है इसकी शुरुआत हुई थी 1975 के एक समिट के साथ, 1975 के एक समिट के साथ, जो समिट फ्रांस ने होस्ट किया था। इसमें 6 गवर्नमेंट आई थी पहले, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, तब इसको G6 बोला जाता था। फिर बाद में इस समिट को G7 बोला गया जब इसमें कनाडा को इंक्लूड किया गया, फिर 1997 में इसमें रशिया को भी इंक्लूड कर लिया गया और इसको G8 बोलने लगे, लेकिन 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया था, अब इसका नाम दोबारा से G7 हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है आपको पता होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 3 एक्ट मेंशन है, SC&ST, PCRA एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट।
इन एक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है। आपको ये बताना है एससी एसटी एक्ट की किस धारा किस सेक्शन के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो इंडियन पीनल कोड के कुछ प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 12, 10, 8 या 6? इनके ऊपर मैं काफी लेक्चर बना चुका हूँ, सैंपल एमसीक्यूज बना चुका हूँ, टेस्ट पेपर बना चुका हूँ, तो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, राइट? तो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इज देयर इज मेंशन इन अंडर विच सेक्शन ऑफ एससी एंड एसटी एक्ट, एंड इसका सही जवाब है सेक्शन 6। तो ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले सेक्शन 8 किससे एसोसिएटेड है, तो ये देखिए, ये है प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंस की, मतलब कुछ अगर आपने कुछ गुनाह किए होंगे, कुछ अपराध किए होंगे, तो उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि आप ही जो एक्यूज्ड है वही उसका विक्टिम है, मतलब कॉन्विक्ट है, अनटिल एंड अनलेस वो प्रूव ना कर दे कि उसने ये क्राइम नहीं किया। तो ये है सेक्शन 8। सेक्शन 10 में क्या बोला गया है कि ऐसे किसी पर्सन को, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये क्राइम कर सकता है, ये ऑफेंस कर सकता है अंडर दिस एक्ट, तो उसको उस एरिया से रिमूव कर देने का प्रोविजन या सेक्शन है सेक्शन 10, रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस। और सेक्शन 12 क्या है, जो सेक्शन 10 में जिस पर्सन को रिमूव किया गया है उसके फोटोग्राफ, उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, ये सेक्शन 12 में मेंशन है। तो इस तरीके से आपको सारे सेक्शन याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपके ऑप्शंस थे कि कंक्रीट रोड को कंस्ट्रक्ट करना, या ब्लेज को मेन रोड से कनेक्ट करना, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर क्वेश्चन 2017 में भी आया था, राइट? तो यानी ये काफी इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। तो ये देखिए, इसका सही जवाब है 2, यानी दोनों ही काम करना होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इसके बारे में पढ़ लीजिए, देखिए नेशन वाइड प्लान बनाया गया है इसके तहत, जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की जाएगी टू अनकनेक्टेड विलेजेस, और कोई भी ऐसा गांव जहां की जनसंख्या 500 है अगर प्लेन्स में है, और अगर कोई ऐसा गांव जो हिली एरियाज में अगर उसकी पॉपुलेशन 250 है, तो ऐसे सारे गांव को कनेक्ट किया जाएगा। सेम लाइन पे मध्य प्रदेश ने भी एक योजना चला रखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो भी गांव, जो भी हेमलेट्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं आते हैं, उनको कवर किया जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, याद रखना। चलिए ये बताइए, जो यहाँ पे जैसे ये आप लिमिट दी हुई है, ऐसी लिमिट क्या लिमिट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन था, ये मिसलेनियस कैटेगरी से है, कि नेशनल यूनिटी डे को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में किस नेशनल लीडर की बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है किसकी बर्थडे के लिए? अब आपको पता है कौन सा ऐसा बंदा है जिसने पूरे हमारे राष्ट्र को एक किया था? यस, इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो राइट आंसर इज 4। अभी इन्हीं के नाम से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू बन गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाई गई है? ये अभी 2018 में इसका वो किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है? तो याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलो ये बताना, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जगह पे बनाई गई है, जगह का नाम बताओ प्लेस, और दूसरी चीज ये किस नदी का तट है, वहां पे किसी नदी के तट पे बनाई गई है, तो उस रिवर का नाम बताना। उसके अलावा ये बताइए, जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, जो सेकेंड हाइएस्ट है इंडिया में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसके ऊपर बनाया गया है, किस पर्सनैलिटी के ऊपर है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? और इस वाले सवाल का सही जवाब है आंसर 4। क्लियर है? आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन ये साइंस से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया था, जो सिंपल बैरोमीटर होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें कौन सा लिक्विड यूज होता है, सिंपल बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है? बैरोमीटर होता है एटमोस्फेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? एटमोस्फेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और इसमें एक फ्लूइड होता है, ये इस टाइप का होता है, इसमें एक डब्बा है, यहाँ पे ये फ्लूइड भरा रहता है, और इसके ऊपर एक यू ट्यूब टाइप का, इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का एक वो रहता है, फ्लास्क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जितना ऊपर ये जाता है उससे हमें पता चलता है कि इतना एटमोस्फेयरिक प्रेशर है अभी। तो क्या यूज करते हैं, मरकरी और एवरीथिंग, या वाटर, या फिर एल्कोहल? और इसका सही जवाब है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है HG। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1 atm। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, याद रखना, पास्कल यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर atm, या फिर बार, या 1 atm जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 atm होता है आपका 76 cm ऑफ मरकरी के बराबर। मरकरी का सिंबल होता है HG।
तो इसका सही जवाब हो गया वन। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। दैट उम्मीद करता हूं दैट एवरीवन ऑफ यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे ईमेल इस ईमेल आईडी पे मेल करके या फिर इस नंबर पे फोन करके या फिर आप मुझे कॉल करके भी या कमेंट करके भी मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना नहीं भूलना, प्लीज बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा एंड शुड आई कंटिन्यू दीज लेक्चर्स और नॉट। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदाइयां।